रहीम बच्चों, मैंने 10th क्लास की फिज़िक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं चैप्टर नंबर 10 के। और बच्चों, हमने 10.1 से लेकर 10.9 तक हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। और अब करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10.10। और एक FM रेडियो स्टेशन 90 MHz की रेडियो वेव पैदा करता है, और इनकी वेव लेंथ क्या होगी। हमने क्या मालूम करनी है, इनकी वेव लेंथ मालूम करनी है। और मेगा, एम से मराद क्या होता है, मेगा की वैल्यू हमें दे दी 10 की पावर 6, और वेव की स्पीड हमें दे दी 3 × 10 की पावर 8 m/s। तो बच्चों, सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल के अंदर डाटा मालूम करना होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, डाटा। अगर हम डाटा को, क्योंकि दो नंबर होते हैं डाटा के, सिर्फ हमने न्यूमेरिकल के अंदर से सिर्फ डाटा निकाल के लिखना होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या दे दी, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी। रेडियो वेव की हमें फ्रीक्वेंसी दे दी, उसको हम किससे जाहिर करते हैं, एफ के साथ। वो हमारे पास आ गई 90 MHz, 90 MHz दे दी हमें। और हमें इनकी वेव लेंथ मालूम करें। बच्चों, हमने क्या मालूम करनी है, वेव लेंथ हमने मालूम करनी है, वेव लेंथ। बच्चों, हमने वेव लेंथ क्या करनी है, मालूम करनी है। मतलब क्या, लैम्डा की वैल्यू हमने मालूम करनी है। और वेव की हमें, वेव की स्पीड, हमें वेव की स्पीड भी दे दी, वेव की स्पीड, वेव की स्पीड हमें दे दी, इसको वी से ज़ाहर करते हैं। वो हमें दे दी 3 × 10 की पावर 8 m/s। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो सा यूनिट होता है वो हर्टन्स होता है, यहाँ पर है 90 MHz। तो पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को हर्टन्स के अंदर तब्दील करेंगे। ये 90 इसी तरह आ गया, इस मेगा की वैल्यू दर्ज कर देंगे 10 की पावर 6, क्योंकि मेगा हमारे पास किसके बराबर होता है, 10 की पावर 6 के बराबर। और हर्टन 7 इसी तरह आ गया, ये हमारे पास आ गया एफ। बच्चे, हमारे पास हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की। एफ की वैल्यू भी मौजूद है और वी की वैल्यू मौजूद है, तो वेव की मसावात वाला फार्मूला लगा देंगे, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की। तो ये वी इसी तरह आ गया, एफ इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो बच्चों, ये वेव की मसावात है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमने ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। एफ इस तरफ ज़रब था, इस तरफ आके क्या हो गया, तकसीम। अब बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास वी ओवर एफ आ गया, तो वैल्यू दर्ज कर देंगे। वी की कीमत हमारे पास किसके बराबर है, 3 × 10 की पावर 8 m/s ओवर। फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 90 × 10 की पावर 6, 7 आ गया हर्टन्स, 7 क्या आ गया, हर्टन्स आ गया। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लैम्डा इसी तरह आ गया, 3 को इसके साथ कैंसिल करवा देंगे पहले। तो बच्चों, ये 3 × 3 3 3 9, तो हमारे पास आ गया 1/30 आ गया हमारे पास, 1/30 लिख देंगे। ये बेस क्या है, सेम, ये 10 की पावर 8 है, तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 10 की पावर -6। तो 7 हमारे पास क्या आ गया, मीटर, एस की पावर -1। नीचे हमारे पास क्या बचेगा, हर्टन्स, नीचे क्या बचेगा, हर्टन्स बचेगा। तो बच्चों, वी की वैल्यू दर्ज कर दी और एफ की वैल्यू दर्ज कर दी। अब ये 3 × 3 3 3 9, तो 1/30 आ गया।
अब बच्चों ये पावर किसके अंदर थी, पॉजिटिव के अंदर। ऊपर जाके पावर किसके अंदर आ गई, नेगेटिव के अंदर। तो बच्चों नेगेटिव के अंदर आ गई ये एम, इसी तरह एस की पावर माइनस वन, इसी तरह नीचे आ गया हर्टन्स। तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे, वन को तकसीम करवा देंगे 30 के साथ। वन तकसीम करेंगे 30 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका लैम्डा इज इक्वल टू 0.033। काफ़ी 3 आ रहे हैं यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई बच्चों बेस क्या है, सेम। अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। पावर इसके साथ क्या हो जाएगी, 8 - 6 हो जाएगा, पावरें जमा हो जाती है। तो ये m इसी तरह s की पावर माइनस वन, इसी तरह हर्टन्स असल में किसके बराबर होता है, s की पावर माइनस वन के बराबर। तो हर्टन्स की जगह क्या पुट कर देंगे, s की पावर माइनस वन। तो s की पावर माइनस वन s की पावर माइनस वन के साथ कैंसल। तो बच्चों हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 0.0333 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 को, जब 8 में से -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। तो ये लैम्डा इसी तरह ये हमारे पास 0.0333 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 10। अब आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये 7 मीटर आना था क्योंकि लैम्डा का यूनिट मीटर होता है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम 0.033 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.33। 7 क्या आ गया, मीटर। हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। ये था बच्चों न्यूमेरिकल नंबर हमारा 10। बच्चों इस चैप्टर के अंदर मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 के 10 न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए। तो बहुत ही आसान है, आपने एक प्रॉपर पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 करना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 करना, फिर 6 करना, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 पे जाना है। तो बच्चों सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का हमने पहले डाटा कलेक्ट करना है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी हमें एफ दे दी 90 मेगा हर्टन्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्टन्स। मेगा की कीमत उसने क्वेश्चन के अंदर हमें खुद ही दे दी 10 की पावर 6। इस मेगा की जगह लिख देंगे 10 की पावर 6, ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। वेव लेंथ हमने क्या करनी है, मालूम करनी है, लैम्डा हमने मालूम करना है, और वेव की हमें स्पीड दे दी 3 × 10⁻¹ मीटर पर सेकंड। तो बच्चों तो हमने क्या मालूम करना है, लैम्डा। तो लैम्डा मालूम करने के लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा वेव का, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से हमने लैम्डा मालूम करना है, तो एफ इस तरफ मल्टीप्लाई इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वी की वैल्यू दर्ज कर देंगे और एफ की वैल्यू दर्ज कर देंगे। अब जो ये सादा रकम है ना, ये कैंसिल कर देंगे, 3 × 3, 3 × 3, 9, 1/30 आ गया। तो बच्चों ये पावर किसके अंदर थी, पॉजिटिव के अंदर है, ऊपर जाके पावर क्या होगी, नेगेटिव के अंदर। 7 बच गया, एम मीटर एम आ गया और पर सेकंड आ गया। नीचे क्या बच गया, सिर्फ हर्टन्स। नीचे क्या आ गया, हर्टन्स। हम हर्टन्स हमें पता है एस की पावर माइनस वन के बराबर है, एस की पावर माइनस वन, नीचे ऊपर भी एस की पावर माइनस वन, दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास। वन तकसीम करेंगे 30, हमारे पास आ जाएगा 0.033 आ जाएगा। अब बेस क्या है, सेम 10, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। बेस एक ले लेंगे और बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। 10 - 6 हो जाएगा, 8 - 6 हो जाएगा, 8 में से -6 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 × 10, तो 7 आ गया मीटर। तो जब इन इस वैल्यू को 10 × 10 के इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.33 मीटर। ये हमने निकालना था लैम्डा। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10। तो बच्चों मैंने मैथ भी आपको 4 चैप्टर करवा दिए मैथ के, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, इन चारों चैप्टरों की मैंने एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी हैं और इनकी मसालें भी कंप्लीट करवा दी हैं, और बच्चों मैंने इसकी मतफरका मशक वो भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। किसके साथ, उर्दू मीडियम करवाई है मैंने, जो इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं इन्हीं वीडियो के ज़रिए।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।